नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी घोषणाओं के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 3 कोरिया बैकुंठपुर की प्रत्याशी श्रीमती अंबिका सिंहदेव चुनावी रणभूमि में बड़ी घोषणाओं के साथ मैदान में उतर गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, स्वयं सहायता समूह की कर्ज माफी, किसानों की धान खरीदी समर्थन मूल्य 3000 से 3600 रुपए तक किया गया। जी हां, उन्होंने ये सारी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में की हैं। कोरिया जिले के विधानसभा क्रमांक 3 की कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह देव ने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और धुआंधार प्रचार प्रसार किया, साथ ही जनसंपर्क में जुटी रही। श्रीमती अंबिका श्रीदेव का कहना है कि कांग्रेस सरकार शिक्षा स्तर को बढ़ावा दे रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की लगातार कोशिश हो रही है और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। साथ ही किसानों की बेहतर सुविधाओं के लिए धान खरीदी केंद्र और सहकारी बैंक खोले गए हैं, साथ ही मार्गों का निर्माण हुआ है। कोरिया जिले में कई उप तहसील और नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास सफल हुआ है, साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी आई हैं। संभाग से राजीव अंसारी की रिपोर्ट। आने वाले दिन में भी जो घोषणाएं हैं, हमारी घोषणाओं को देख करके उसका नकल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा की है। अगर करना रहता, बोनस देना रहता, तो 15 साल इन्होंने किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर कांग्रेस काम कर रही है और जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, पूछे 5 स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी देश की ऐतिहासिक पार्टी, राजीव जी की पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी, उस पार्टी का आप साथ देंगे या भाजपा वालों की दोगली बातों को, जिनके बातों का सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोल के देश में शासन करना, हिंदू मुस्लिमों को आपस में ऐसी पार्टी का साथ देंगे। 5 साल के शासन में भूपेश बघेल की सरकार ने, टीएस सिंहदेव की सरकार ने, डॉक्टर चरणदास महंत की सरकार ने वह करके दिखलाया है जो भाजपा वालों ने 15 साल तक नहीं कर पाया। इस देश के मालिक और मालकिन आप सभी के चरणों में मेरा बारंबार जोहार जोहार, और इस मंच में उपस्थित समस्त कांग्रेस परिवार और हमारे इस क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी दीदी अंबिका सिंह देव जी उपस्थित हैं, उनको भी जोहार जोहार। आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले जो समय 17 तारीख को हमारे इस क्षेत्र में चुनाव होना है, आप सभी लोगों को बता दो, आप सभी के साथ की जरूरत है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पिछले बार जब आप लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, हम सबका इतना जुड़ाव भी नहीं हुआ था, आज उससे जुड़ाव कहीं ज्यादा मजबूत है। तो आप सभी इसी तरह हमेशा मेरा साथ देंगे और अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। प्रणाम।